हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे हरी रौंगी की सब्ज़ी। तो हमने फलियां ले ली हैं, उसके अंदर से हम रौंगी को निकाल लेंगे, इसे अच्छे से धो लेंगे। दो से तीन हम आलू काट लेंगे, दो से तीन हम प्याज ग्राइंड कर लेंगे, एक तेज पत्ता, दो छोटे इलायची, जीरा, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी और काली मिर्च ले लेंगे। एक कढ़ाई में हमने तेल ले लिया है, उसमें हमने सूखे मसाले डाल दिए हैं, उसे हल्का सा पका लेंगे। उसके बाद हम प्याज को अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेना है इसे प्याज को भी। प्याज अच्छे से पक जाने के बाद अब हम इसमें 1.5 चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच हम मेथी का ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच हम गरम मसाला, 1.5 चम्मच हम हल्दी का ऐड करेंगे। नमक अपने स्वाद अनुसार डाल लीजिएगा। और हमने लिक्विड हींग डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कटोरी फेंटा हुआ दही ले लेंगे, वो हम मसाले में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही अच्छे से पक जाने के बाद अब हम इसमें आलू डाल देंगे। ऐसे पका लेंगे थोड़ी देर से। आलू अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें रौंगी डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच हम मिलाई के डाल देंगे। रौंगी को अब हम अच्छे से पका लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन का बटन प्रेस करें जिससे आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके, आप नई नई रेसिपीज ट्राई कर सकें। सब्जी अच्छे से पक जाने के बाद अब हम इसे कुकर में डाल देंगे सब्जी को। और इसमें थोड़ा सा पानी लगा के 1 से 2 सीटी लगवा देंगे और धीमी आंच पे 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। और ये हमारी रौंगी बन के रेडी हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।